सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग्स। अभी 2 बजने वाले हैं, मैं लंच कर रहा हूँ। लंच में सोयाबीन चाप, लस्सी और रोटी। लंच करके पहले पापा के पास जाएंगे, फिर चाचा के पास जाएंगे। तो गाइस चलो चलते हैं। आज ले आऊंगा पापा जी फिर पिल्ले। आज रहने देते, 5-7 दिन और रुक जाए, मौसम खराब है। अपने माँ के पास ठीक रहेंगे, उसे दूध पियेंगे। अच्छा तो भाई पापा कह रहे हैं कि पिल्लो को 5 दिन बाद लेके आ जाइयो, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और धूप भी नहीं निकली कई दिनों से। 5 दिन तक अपनी माँ के पास भी रह लेगा, ग्रुप में रह लेगा थोड़ा। ये देखो गाइस, चाचा ने आज गाड़ी बाहर खड़ी कर रखी है अपनी। गैलेक्सी हाँ चिक्की, वो डोरेमोन। ये देखो भाई चाची, और ये फोन चला रही है ना। इसी ये फोन चलाना। सीधा यार गैलेक्सी, उसके पीछे क्यों जा रही है तू? उसके पीछे क्यों जा रहे हो? हाँ गैलेक्सी, झगड़ा कर रही थी। आ जाओ गैलेक्सी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ से कहाँ तक? जो खाली हो जाएगा इसमें खेल लेंगे। ये भी खाली होएगा क्या? भाई चाप भी दे देगा, इसमें खेल लेंगे सारे। ये थोड़ा साफ सफाई हो जाएगी ना इसकी। गैलेक्सी कहाँ गई? कहाँ भागे जा रही है गैलेक्सी? इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ गैलेक्सी आ जाओ। हाँ गैलेक्सी, बस गैलेक्सी, बस बस वो गैलेक्सी, बस गैलेक्सी गैलेक्सी, बस 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 ऐसे नहीं। बस तू अभी से ही सबसे झगड़ा क्यों कर रही है? अभी तू सिर्फ 3-4 महीने की है। आजा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाइस ये ना 4 दीवारी हो रही है प्लाट की, इसमें गैलेक्सी को छोड़ देंगे और जो अपना पिटबुल आएगा ना, उसको और गैलेक्सी को इस प्लाट के अंदर ट्रेन करेंगे बढ़िया। अभी से ही ना ये कुत्तों को डरा के भगा देती है। ओए 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 फिर से गैलेक्सी गैलेक्सी गैलेक्सी, नहीं 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 ना गैलेक्सू। हे गैलेक्सू, तुम यही रहते हो क्या? ध्यान रखना इसको ना, कोई मारे ना, इसको कोई हाथ भी ना, इसको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, कोई ऐसे भी ना कर दे ठीक है। डर मत इधरा, तेरी फ्रेंडशिप करवानी जरूरी है इससे। रुक जा रुक जा रुक जा, इसको ऐसे पकड़े यहाँ से। हाँ बस बस, अब इसके साथ साथ चल, इधर लाओ इधर लाओ। अरे छोड़ दिया, फिर इधर लाओ। हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं। ओ ओ ओ ओ गैलेक्सी ऐसे क्यों कर रहे हो? देख देख क्यों परेशान करती है तू चिकी। क्या काला टीका लगा दिया शैडो? ओ भाई काला टीका लगा दिया इनके दो, मैक्स और शैडो। शैडो अरे हटा, मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। ये रहा अपना राहुल भाई, यार चेंज हो गया बिल्कुल ही, दाढ़ी वाड़ी कटवा ली। मैं जा रहा था दाढ़ी ट्रिम करवाने, कल उसने गलत कर दी, फिर मेरे को सारी ट्रिम करवानी पड़ी। शक्ल चेंज होगी भाई की। सो गाइस चिक्की को गोदी में उठा लेते हैं, अब भी करो। गैलेक्सी के फ्रेंड्स मिल गए गाइस, इसकी फुर्ती दिखाता हूँ तुम्हें आज। ओ भाई कितनी फुर्ती है ना इसमें। ओए इसके पीछे भागो, इसको पकड़ो, देखना गाइस। ओ गैलेक्सी पकड़ रही है उसको, इधर से इधर। ये भाई इसमें ना फुर्ती बहुत ज्यादा है, भागते भागते ना बैक फ्लिप मार लेती है पूरी। ये हाथ में नहीं आने की है ना इसको ना गाइस, मुश्किल है पकड़ना बहुत ज्यादा। और वो और ये दोबारा से भौंक रहा है, ये पानी पी रही है, अब इसको पानी पीने देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पकड़ वीडियो बनाइए। ये देख तो ये पकड़ में ही नहीं आ रही है, इतनी फुर्ती है इसमें। गाइज इसके साथ कोई भी पकड़म पकड़ाई खेलना चाहता है ना बता देना, बहुत मुश्किल है इसको पकड़ना। उसको टच कर लिया ना, उसको 1000 रुपए इनाम मेरी तरफ से। 1000 रुपए इनाम? हाँ, इसका पट्टा ऐसे पकड़ के रोक दे इसको, उसको 1000 रुपए इनाम। अभी देख लो भाई, राहुल भाई कह रहा है इसको जिसने भी पकड़ लिया ना ऐसे पट्टे से, उसको 1000 रुपए इनाम। हमने ना बहुत बार कोशिश की इसको पकड़ने की, हाथ में नहीं आती है। ये देखो क्या कर रहे हैं, ये खड्डा खोद दिया ना। धोखे से नहीं भाई, कैसे नहीं पकड़ना, ये गलत बात नहीं को, धोखे से पकड़ा है, पकड़म पकड़ाई खेलनी है, इस पे 1000 रुपए इनाम नहीं मिलेगा भाई। चल नीचे उतर जा, डर लग रहा है। किससे लग रहा है? गैलेक्सी से लग रहा है, एना से लग रहा है। गाइस हंटर ना भी आराम कर रहा है हीटर वाले कमरे में, तो अभी गैलेक्सी को और घुमा के ला रहे है, ये खेलने जा रही है अपना। गैलेक्सी चले वापस। गाइस बहुत गंदी हो गया गैलेक्सी, साफ कर रहे हैं इसको। अब तो चिक्की भी नहीं डर रही, नहीं डर रही ना चिक्की, तो धीरे धीरे करके चिक्की फ्रेंडली हो जाएगी इसके साथ। खेल
अब क्या हुआ? क्या हुआ चिक्कू, चाट लिया? इतने गैलेक्सी यहाँ पे खेल रही है, इतने शैडो का टिक्का देख के आते हैं, माथे पे कैसे टिक्का लगाया शैडो। हाँ शैडो, आजा 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 आजा, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है शैडो मुझे देख के। गाइस ये कह रहा है मुझे घुमा के लेके आ, आजा शैडो शैडो, मैं जा रहा हूँ, नहीं आ रहा ना तू। बस 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 बेटा, आराम से शैडो, आराम से। मुझे पकड़ लो ना फिर। गाइस अभी गैलेक्सी को मिलवा रहे हैं, ये देखो। सो गाइस मैं ना अभी चिकी और गैलेक्सी को थोड़ा कंफर्टेबल करवा रहा हूँ। इसके सर पे हाथ लगाओ, इसको पकड़ो, पुच्ची करो, इससे बातें करो, हेलो करो, इससे हेलो कर गैलेक्सी। हेलो, हेलो नहीं कर रहे ना आप उससे, बोल ले क्या? अच्छा बोल के साथ खेलोगे ना? पहले इसको बोल, दिखा, इसको देनी नहीं है। अरे देनी नहीं, अभी रुक जा, जब मैं कहूँ ना तब देनी है, देनी नहीं है ठीक है, ये कुछ भी करे। इसको पहले दिखाओ, इसकी आंखों के आगे लाओ, इसके सर पे हाथ रख, देखा है ना फ्रेंडली हो गया ना ये। इसको बोलो मैं वहां बोल फेंक रही हूँ, हाँ अभी लेके आएगा, अब इसे बोल ले लो, बोल ले लो चिकू, जैसे बोला था ना वैसे ही करो। तो भाई चिकी का डर निकाल दिया है, बाकी आगे का पता नहीं है, आगे दोबारा अगर डरेगी ना तो दोबारा कंफर्टेबल करवा दूंगा मैं। हंटर फाइनली आराम करके उठ चुका है, हंटर से मिलवा के ला रहे हैं गैलेक्सी को। नोनो और गैलेक्सी की नहीं बनती, नोनो से दूर करना पड़ेगा गैलेक्सी को। गैलेक्सी नोनो से दूर रहो, गैलेक्सी रुक जाना, रुक जाओ गैलेक्सी, ओ मेरे ऊपर आ रही है, देख लो भाई अभी सही। बस गैलेक्सी बस, गैलेक्सी बस। लड्डू किस चीज के भाई? गेट लग गया। अच्छा ये प्लॉट में गेट लग गया। तो भाई गैलेक्सी को मैं चाचा के पास छोड़ी आया और यहाँ पे हंटर और एना खेलने लग रहे हैं, देख लो। तो भाई अभी पता है क्या हुआ, हंटर के दांत लग गए मेरे हाथों में। हंटर किसी कुत्ते की तरफ भाग रहा था, मैंने हाथ डाल लिया अपना, बुड़का भर ही लिया था ऑलमोस्ट, जब उसको पता चला ना कि मेरा हाथ है तो उसने छोड़ दिया। ये देखो गाइस, अगर हंटर सच में काटता ना मुझे तो अंदर तक दांत जाते, खून आ जाते मेरे, दर्द ना हड्डियों में हो रहा है मेरे। वैसे तो हंटर की वैक्सीन वगैरह सब हो रखी है, बाकी मैं अपनी तसल्ली के लिए इंजेक्शन लगवाऊंगा। हंटर ने बहुत ज्यादा सॉरी फील किया था, मतलब बार बार मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, शरीफ सी शक्ल बना रहा था मेरे सामने। भाई आज बच गया तुम्हारा निक्को भाई, हंटर किसी कुत्ते के पीछे पड़ गया था, उस कुत्ते की फाइट रोकने के लिए निक्को ने पकड़ा और ऐसे कोनी बीच में अड़ा दी, हंटर ने फिर कोनी पकड़ के और छोड़ दी, उसको पता था कि हां इसको नहीं काटना, फिर हल्की सी खरोच आई है। भाई आज हंटर पे ना बहुत प्यार आ रहा है, मतलब किसी को पाड़ने जा रहा है, दांत बिल्कुल लगाई दिए और वापस इसने दांत हटा लिए, इसको अच्छे से पता है किसको काटना है किसको नहीं काटना, अलर्ट बहुत ज्यादा है। हाँ अंटू, बाय अंटू। देखो गाइस दूर से चिल्ला रहा है, सॉरी फील कर रहा है बहुत ज्यादा। तो गाइस चाचा भी आ गया, चाचा का ही वेट कर रहे थे कि कब चिकी को घर पे छोड़ेंगे और कब मैं इंजेक्शन लगवाने जाऊंगा। अरे तेरे शूज गए, गाड़ी में है ना, आजा गोदी आजा। हेलो चिल्लू, आगे चाचा मार्केट से। एक चीज बताऊं, हंटर ने दांत मार दिए। हैं दिखाइए, रुक जाओ, पकड़ो। कैसे फिर? ये हंटर किसी कुत्ते के पीछे भाग रहा था, वैसे पकड़ लिया उसने, जैसे दांत मारे ना वैसे ही हटा लिए मेरे। हाँ वो मतलब वैसे लग गया, जाने में लगे उसने, अगर जानबूझ के मारते पूरा अंदर तक गाड़ देते। ये क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों करते हो? मैंने कुछ किया है? मैंने कुछ किया है? ये तो एक्सीडेंट है ना भाई, एक्सीडेंट होते हैं, इसे ठीक हो जाऊंगा। ये देखो गाइस छत पे पूरा पानी भर गया, चाचा बाजार गए थे ना तो टंकी खुली रह गई थी, और ये देखो पानी पानी भर गया सारी जगह, इसमें से धुआं निकल रहा था, शॉर्ट सर्किट। अगर आते नहीं रात तक फिर करंट की आग लग जाती यहाँ पे, ये देखो क्या हो गया पूरे घर का। मैं आया ही नहीं इस साइड, आग लग जाती चाचा अगर रात तक आते तो। बच गए, चल चिनू बाय, ठीक है बाय, घर पे बाय। तो गाइस ये हमारे अंकल है, फैमिली डॉक्टर है पुराने हमारे, तो इनको मैंने फोन करके बताया था। मैं अभी तो एंटीसेप्टिक लगा के मैं इसकी स्पाई कर देता हूँ, कर रहे हैं इसका इंजेक्शन लगेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर लग सकता है। अब पीछे भी है तो अब इंजेक्शन लेके आएंगे, इंजेक्शन लगवा के सीधा घर पे चलेंगे। तो भाई मैं आ चुका हूँ घर पे और इंजेक्शन मैंने लगवा लिया है, आज इसको बना के देखते हैं। ये दिखाइयो क्या निकला इसके अंदर, हाँ पता चल गया आपको तो, जान बुझ के नहीं मारा हंटर ने, लड़ाई हो गई थी उसकी, लड़ाई छुड़वा रहा था। टिक्की वगैरह लगवा लो, कोई दिक्कत हो तो। एक टिक्का तो लगवा लिया। ये देख लो भाई, एक साइड मैगी बन रही है, एक साइड ये सुपर स्पाइसी कोरियन नूडल बनने लग रहे हैं, मौज कर रखी है आज तो। अपने नूडल्स आ गए और ये चॉपस्टिक से खाएंगे, सुपर स्पाइसी लिखा था, देखते कितना स्पाइसी है। कैसे उठती है ये? ऐसे ऐसे नहीं उठानी होती, मैं देखो ट्राई करूँ, उठानी नहीं आ रही तो ऐसे भी आ सकती है। ऐसे होता है ना,
कैसी है कैसी? देखा बोली थी ना मैंने यार बहुत ज्यादा मिर्च है इसमें, तो टेस्ट भी अजीब सा ही है। ये तो मस्त खा रही है मैगी है दबा के। मैं तो खा लेती। ये देखो आज मैगी की मौज कर दिया मम्मी ने, ये तो मुझे अच्छी लगी नहीं, यही खाएंगे क्योंकि यही फेवरेट है मम्मी ने बनाई है मस्त। मम्मी अच्छी बनाती है मैगी छोक के। सो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने रूम में, और भाई आज काफी ज्यादा सर्दी हो रखी है और 6 बजे के बाद वैसे भी लॉकडाउन लग गया है यहाँ पे, और मेरा कहीं जाने का मन था यार जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरे को टेंशन फ्री घूमने का शौक है जिसमें ना कोई मास्क यूज करना पड़े ना कोई वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़े और रात तक मार्केटें खुली रहे जिसमें हम रात तक घूम पाए। और भाई मैंने सोचा था कि वैक्सीन वगैरह आने के बाद इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था, पर भाई कुछ भी ठीक नहीं हुआ। और भाई वैसे आज वो कुत्ता बच गया जिसको हंटर पाड़ने वाला था, ग्राउंड का गेट खुला रह गया था और हंटर एक कुत्ते की तरफ लिपटने भाग गया था। जैसे ही हंटर ने उसके झपट्टा मारा ना गले की तरफ, मुंह खोल रखा था पूरा हंटर ने, तो उनके बीच में मैंने हाथ मारा और हंटर को पकड़ने लग गया, तो हंटर जो उसके गले पे मारने वाला था ना मेरा हाथ बीच में आने के कारण ना हंटर के मुंह में मेरा हाथ आ गया। जैसे ही हंटर को पता चला ना कि भाई मेरा हाथ है, हंटर ने अपने दांत वैसे ही पीछे कर लिए, इतने से में ही ना हंटर के दांतों के निशान आ गए और हड्डी में दर्द हो रहा है मेरी। अगर भाई हंटर उस कुत्ते को पाड़ लेता ना बहुत गंदा हाल होता उसका, छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता। वैसे गाइस आज मैं लेट तक रुकता चाचा के पास क्योंकि चाचा आज बारबेक्यू वगैरह पे ना पनीर टिक्का वगैरह बनाते, इंजेक्शन वगैरह लगवाने के चक्कर में और छोटू के बुखार वगैरह हो रहा था, हम घर जल्दी वापस आ गए। तो गाइज यही था आज की वीडियो में, सो थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। तो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।